संस्था में पढ़ाते हैं उन लोगों को जो हम लोगों ने पे स्केल देना शुरू किया है, सब लोगों की मांग भूलिएगा मत, यही पटना में ना ही होगा। और आपके से बहुतों को याद होगा कि दोनों मदरसा वाले और संस्कृत वाले बड़ा जुलूस निकाले थे, क्या हाल चाल उनका हुआ। और हम लोग आए तो सम्मान दिया और आज बता दिया जो पहले के टीचर हैं जिनको पहले से पे स्केल मिलता था और टीचर वाला, वो उनको फिर सातवां वेतन का लाभ देंगे और बाकी जो है नियोजित शिक्षक के समान थे उनको नियोजित शिक्षक के समान वेतनमान मिलेगा। और इस बात की घोषणा ये मदरसा शिक्षा बोर्ड के नए अधिकारी साहब चेयरमैन बने हैं, वहाँ सेंटर हमने बनाया है, दे गए थे कि हमारे सेंटर का उद्घाटन कर दीजिए, उसी में हमने ऐलान कर दिया था पूर्णिया में, और आज कल में सब फाइनल हो जाएगा। तो हम लोग जो कहते हैं उसको करते हैं, और मेरा और कोई दूसरा नजरिया नहीं, हमारा है नजरिया काम का। भाई लोगों ने मौका दिया है काम करने के लिए, दूसरे काम के लिए नहीं। देखिए हमको अपनी कोई सेवा नहीं करनी है, आपने मुझको मदरसा में काम करने वाले जो शिक्षक हैं उनको नियोजित शिक्षकों के समान उनको मूल वेतन में वृद्धि करने का निर्णय बहुत जल्द सामने आ गया है। और इतना ही नहीं, तो जो अराजकीय प्रस्वीकृत जो 1119 मदरसा है उनको भी बहुत जल्दी सेवेंथ पे का लाभ माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर दिया जाए। मेरे मित्रों, बिहार की सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है और 20 साल के बजट में